Hello everyone, very good morning and very warm welcome in our online English classes at Shri Ram College 17 RB. Students, आज हम करने जा रहे हैं BA B.Ed first year के syllabus के अंदर एक बहुत ही famous poem Ode to Evening which is composed by William Collins. Okay, तो बहुत ही famous ये poem है. Ode to Evening बहुत ही आप कह सकते हैं कि बढ़िया तरीके से कंपोज किया है इसको विलियम कलिंस ने. और विलियम जो कलिंस है ये एक प्री रोमांटिक पॉइट है. थोड़ा सा पहले इनके बारे में बात करते हैं फिर अपने पॉइंट के बारे में बात करते हैं. ओके, विलियम कलिंस एक प्री रोमांटिक एज के पॉइट थे. बॉर्न ऑन 25th ऑफ दिसंबर 1721 चिचेस्टर यूके के अंदर इनका बर्थ हुआ था 1721 के अंदर. थोड़े से अनलकी टाइप ऑफ पर्सन रहे हैं क्योंकि ज्यादा इनको नेम और फेम नहीं मिली, ज्यादा इनके वर्क्स नहीं चले और थोड़े ही जो वर्क्स थे इनके वो फेमस हुए थे. और आप ये कह सकते हैं कि इतने ज्यादा फेमस नहीं हुए थे और बहुत ही कम है इसके अंदर इनकी डेथ भी हो गई थी. जैसे कि आप देख रहे हैं 12th ऑफ जून 1759 को सेम जगह पर चिचेस्टर के अंदर यूके के अंदर ही इनकी डेथ हो गई थी. ओके, वॉज एन इंग्लिश पॉइट सेकेंड इन इन्फ्लुएंस ओनली टू थॉमस ग्रे. लेकिन जितना कुछ भी इन्होंने लिखा, हालांकि इन्होंने कम लिखा, बहुत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा इन्होंने कि आप ये कह सकते हैं कि जो थॉमस ग्रे खुद जो बहुत एक बड़े पॉइट रहे हैं उनके बाद दूसरे नंबर के जो आप ये कह सकते हैं कि प्री रोमांटिक पॉइट इनको माना जाता है. ओके, ही वॉज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द मिडिल डेकेड्स. मिडिल डेकेड्स जो 18th सेंचुरी के थे उनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको माना जाता है. हिज लिरिकल ऑड्स मार्क ऑफ प्रोग्रेशन from the Augustan poetry of Alexander Pope's generation and the imaginative ideal of the romantic era. अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये अपने lyrical odds की वजह से famous हुए हैं. okay, lyrical odds की वजह से basically जो ऐसी odds या ऐसी poetry जो Augustan age के अंदर Alexander Pope की generation लिखती थी. okay, जिसके अंदर की imaginative ideas होते थे, तो इन्होंने क्या किया उस odd को allegorical बनाया. ओके, डिस्क्रिप्टिव ऑड्स को बनाया और उसके अंदर इन्होंने ह्यूमन नेचर की जगह लाइक न्यू क्लासिकल जो पॉइंट्स होते थे, न्यू क्लासिकल जो पॉइंट्स थे वो क्या करते थे, ह्यूमन नेचर पर लिखते थे. लेकिन ये सिर्फ नेचर पर लिखते थे, इनकी ऑड्स को इन्होंने एलिगरिकल बना दिया, डिस्क्रिप्टिव बना दिया और न्यू क्लासिकल जो पॉइंट्स थे उनसे थोड़ा सा इन्होंने अलग अपनी ऑड्स को बनाया, नेचर के सब्जेक्ट पर इन्होंने बनाया, जो कि आज की हमारी पोइम है ऑड टू इवनिंग. ये भी एक नेचर पर बहुत ही लिखी, अच्छी लिखी गई एक ऑड है. अब अपने इनके कुछ मेजर वर्क्स की बात करते हैं, तो पर्शियन इकोलॉग्स 1942 जिसको रिवाइज किया गया एज एज ओरिएंटल ऑड्स 1759, ऑड्स ऑन द डेथ ऑफ थॉमसन. जेम्स थॉमसन एक बहुत ही फेमस पॉइट रहे हैं, उनके पर उन्होंने एक उनके डेथ पर एक ऑड लिखी थी 1749 के अंदर. ऑड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलिगरी सब्जेक्ट्स 1746 के अंदर. ऑड ऑन द पॉपुलर सुपरस्टिशंस ऑफ द हाईलैंड 1750 अनपब्लिश्ड रही जब तक इसके दूसरे वर्क्स पब्लिश नहीं हुए. Verses humbly addressed to Sir Thomas Hanmer on his edition of Shakespeare works 1743. इसको republish करवाया गया 1744 के अंदर. ये कुछ इनके major works हैं students, जिनको हम note down कर सकते हैं, जिनकी वजह से इनको name और fame मिली as a pre-romantic poet, William Collins. Okay. अब मैं बार बार देखिए दो words मैंने बार बार बोले तो मैं odd बोल रहा हूँ बार बार. जैसे कि poem भी हमारी कौन सी है, odd to evening है. देखिए इस पॉइंट को हम दो लेक्चर्स के अंदर पूरा करने वाले हैं. आज के जो लेक्चर है इसमें आपको मैं विलियम कलिंस का आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया और अब अपने पॉइम का एक बेसिक चीज अपने सीख लेते हैं. बेसिक चीज आपको बता देता हूँ, उसके बाद अपने पॉइम का टेक्स्ट हमारे लेक्चर सेकंड के अंदर रीड करें. थोड़ी सी लेंथी पॉइम है. ओके, तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में बनाने की कोशिश की है. ओके, तो अब मैं बार बार ऑड यूज कर रहा हूँ. व्हाट इज ऑड? ऑड एक लिटरेरी फॉर्म है. जैसे आपने देखा होगा कि पोइट्री को हम बहुत सारी फॉर्म्स में कंपोज कर सकते हैं. पोइट्री एक सोनेट हो सकती है, एक लिरिक हो सकती है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग हो सकती है. ओके, वो एक स्टाइल हो सकती है, वो एक आयरनी हो सकती है. बहुत सारी फॉर्म्स है पोइट्री की. ओके, वो बैलेड हो सकती है, सोलिलोक्वी हो सकती है, वो स्प्रिंग रिदम में लिखी पोइम हो सकती है, कोई एक हाइमन हो सकती है. लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऑड. ऑड कौन सी पोइम होती है? जैसे आपने एक एपिक भी सुना होगा ना, तो उसी तरीके से ऑड भी एक लिटरेरी फॉर्म होती है पोइट्री को कंपोज करने की. तो पहले अपने ऑड के बारे में बात करते हैं कि ऑड क्या होती है. स्ट्रक्चर्ड पोइम होती है प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट और इंडिविजुअल. अब यहां पे आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड पोइम होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट. या तो किसी घटना को, किसी इंसिडेंट को प्रेज किया जाता है, उसको ग्लोरीफाई किया जाता है,
और या किसी इंडिविजुअल को, यानी कि किसी पर्सनल एक व्यक्ति को लेकर उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, उसकी प्रेज की जाती है। डिस्क्राइबिंग नेचर, इसमें नेचर को डिस्क्राइब किया जाता है इंटेलेक्चुअली एज वेल एज इमोशनली। इंटेलेक्चुअली भी इसको, यानी कि आप अपनी विजडम से भी प्रेज करते हैं, अपनी इमोशन से भी प्रेज करते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर आपको वन लाइन में बताऊं मैं, तो ऑड सिर्फ क्या होती है, एक एड्रेस्ड पोइम होती है, यानी कि किसी को संबोधित करके लिए पोइम लिखी जाती है। ऑड हम क्या करते हैं, किसी को हम एड्रेस करते हैं, किसी को हम किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए या किसी की प्रेज करने के लिए। जैसे इस पोइम के अंदर क्या किया है विलियम कलिंस ने, इस पोइम के अंदर उन्होंने इवनिंग को ग्लोरीफाई किया, उसकी प्रेज की है। अ क्लासिक ऑड इज स्ट्रक्चर्ड इन थ्री मेजर पार्ट्स। अब एक क्लासिक जो ऑड होती है वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड द एपोड। स्ट्रॉफी अगर आपने देखे तो इसके अंदर भी ग्रुप ऑफ टू और थ्री लाइन्स होता है। एंटीस्ट्रॉफी के अंदर उसका मेन आइडिया आता है और एपोड के अंदर उसका आप स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये तीन चीजें मिला के एक क्लासिक ऑड बनती है। ओके, बेसिकली अगर मैं ऑड की बात करूं तो ऑड हैज थ्री टाइप्स की ऑड होती है, हॉरेशियन ऑड, इरेगुलर ऑड और एक होती है पिंडारिक ऑड। पिंडारिक ऑड वन ऑफ द फॉर्मस्ट, सबसे पहले पिंडर पॉइंट जो थे उन्होंने ही ऑड को इन्वेंट किया था। ओके, तो पिंडारिक ऑड, हॉरेशियन ऑड और इरेगुलर ऑड। तो आई होप कि आपको ऑड के बारे में समझ आया होगा। ऐसी पोइम होती है जिसको अपने किसी को प्रेज करने के लिए, किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए उसको एड्रेस करते हुए लिखी जाती है। ओके, अब अगर अपने इस टिपिकल ऑड टू इवनिंग की बात करें तो ये पोइम पब्लिश हुई थी 1746 के अंदर और इस पोइम की थीम क्या, सीनिक नेचर है, यानी कि इसमें नेचर सीनरी आपको दिखेगी। ओके, ऑड को उन्होंने जो अपने इवनिंग है, इवनिंग को किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है आगे मैं बताऊंगा। इस पोइम का अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, कंपोज्ड इन अ सिंगल स्टैंजा 52 लाइंस। इस पोइम को आप एक सिंगल स्टैंजा के रूप में देख सकते हैं, एक सिंगल स्टैंजा 52 लाइंस का, बड़ी पोइम है। अनराइमिंग पैटर्न है, इस पोइम के अंदर कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई है और मिल्टोनिक स्टैंजा फॉर्म को इसमें यूज किया गया, यानी कि इस पोइम को लिखने के लिए विलियम कलिंस ने क्या किया था, मिल्टन के स्टैंजा फॉर्म को उन्होंने इसके अंदर यूज किया है। ओके, अब अपने बात करते हैं, ऑड टू इवनिंग इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉइंट्स ऑफ कलिंस इन हिज कलेक्शन। कलिंस का जो कलेक्शन था ना, ऑड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलिगोरिकल सब्जेक्ट्स, ये इनका जो फेमस वर्क था। इस वर्क में जितनी भी उनकी पॉइम्स थी उन सब में से फेमस पॉइम है वो ऑड टू इवनिंग है। अब यहां पे देखिए, डिस्क्रिप्टिव तो समझ आ गया आपको, ओके, लेकिन आपको एलिगोरिकल बार बार में वर्ड यूज करना। तो एलिगोरी क्या होता है, आपने ना एक हिंदी में सुना होगा, व्यंजना शब्द शक्ति होती है हिंदी के अंदर। ओके, टिपिकली अगर आपको इंग्लिश में डिफाइन करूं तो जब आपने किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को या किसी इवेंट को सिंबल्स के थ्रू अपने डिस्क्राइब करते हैं, एज उनका सिंबल यूज करते हुए, तो उसको अपने क्या कहते हैं, एलिगरी कहते हैं। ओके, इट इज अ कंपोज्ड इन अ सिंगल स्टैंजा 52, ये बता चुका आपको मैं, अनराइम पैटर्न है। दिस ब्यूटीफुल पोइम इज एड्रेस टू द इवनिंग, ये इवनिंग को एड्रेस की गई है, यानी कि आपको मैंने पहले बताया था कि ऑड क्या होती है, किसी व्यक्ति को, किसी इवेंट को ये डेडिकेटेड होती है ना। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है किसको एड्रेस्ड है, ये इवनिंग को है। वो इज रिगार्डेड एज द गॉडेस, जिसको कि गॉडेस देवी माना गया है। निम्फ, निम्फ एक अप्सरा होती है, मेड, यानी कि इसको एक मेड भी माना गया, कुंवारी लड़की भी माना है किसने, विलियम कलिंस ने। ओके, अब अपने इस पॉइंट की बात करते हैं कि इस पॉइंट में अपने क्या पढ़ने वाले हैं। तो द प्रेजेंट पॉइंट कंटेन 13 स्टैंजा ऑफ 4 lines each, 13 stanza इसके अंदर है, जिसके अंदर हर stanza के अंदर 4 lines हैं। The stanzaic pattern is Miltonic, आपको मैंने बता दिया कि इसमें जो stanza pattern है वो Miltonic use किया गया। This pattern produced hypnotic effect, बहुत ही एक इसके अंदर एक अपने को, अपने mind को grab करने वाला इसमें effect है। The use of personification, adjectives and epithets is vital to the meaning of the poem, इसके अंदर personification use किया गया है। ओके, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव्स यूज किए गए जो इस पोइम को और ज्यादा वाइटल मीनिंग देते हैं। द एब्सेंस ऑफ राइम मार्क्स इट, मेक्स इट अ नेचुरल पोइम। अब इसमें राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया, जो कि इसको एक बड़ी नेचुरल सी पोइम बना देता है। विलियम कलिंस, आपको मैंने पहले बता चुका कि इज अ ग्रेट प्री रोमांटिक पोइट है ये। ओके, ही इज फेमस फॉर द रेयर एंड प्रीशियस क्वालिटी ऑफ हिज पोइम्स। वो अपनी पोइम्स की रेयर और प्रीशियस, मतलब कुछ अलग लिखते थे, क्योंकि उन्होंने न्यू क्लासिकल जो इरा के पोइट्स थे उनसे डिफरेंट लिखा अपनी ऑड्स को। His Ode to Evening is one of the finest odds in English literature. British English literature के अंदर Ode to Evening सबसे famous odds में से गिनी जाती है। It is full of melancholy,
ये पूरी की पूरी मेलानकली थॉट्स, मतलब उदासी से भरी हुई है, सैडनेस इस पोइम के अंदर है। इट प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ क्वाइट इवनिंग। ये एक क्वाइट इवनिंग की पिक्चर को हमारे सामने डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से एक इवनिंग है, बड़ी ही क्वाइट है, शांत है, ओके किस तरीके से जब वो अप्रोच करती है तो उसके बारे में बताया गया। ऑल टू इवनिंग प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ द पॉइंट्स मेलानकोलिक मूड। ये पॉइंट के सैडनेस को एक्सप्रेस करती है। पॉइंट का मूड कैसा है? पेसिमिस्टिक मूड है, बड़ा उदासी वाला उसका मूड है। लव ऑफ द क्वाइट इवनिंग इज द इमोशन ऑफ द पोइम। ओके, कि क्वाइट इवनिंग से लव, जो हम शाम से प्रेम कर सकते हैं, वही इस पोइम का इमोशन है। द ब्यूटी ऑफ द इवनिंग इज इनकॉर्नेटेड इन इट्स क्वाइटनेस। पूरी पोइम की जो ब्यूटी है वो इवनिंग की क्वाइटनेस के अंदर ही है। द पोइम ओपन्स विद द पिक्चर ऑफ पर्सोनिफाइड इवनिंग। जब पोइम शुरू होती है तो इवनिंग को पर्सोनिफाई किया गया है ना। पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है कि जब अपने एक नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन बींग की तरह यू नो जज करते हैं ना, जैसे इवनिंग को उन्होंने एक निफ मान दिया कि वो एक अप्सरा है, वो एक देवी है, वो एक कुंवारी लड़की है। तो शाम तो अपने आप में तो ये अप्सरा नहीं हो सकती, ना ये कोई देवी हो सकती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि विलियम कलिंस ने पर्सोनिफाई किया उसको, उसको ह्यूमन फॉर्म के अंदर इन्होंने माना है। इन दिस पॉइंट द पॉइंट एड्रेसेस द इवनिंग। ये बताई दी आपको मैंने कि इवनिंग को एड्रेस करके लिखी गई है। ही सेज दैट ही वुड ट्राई टू सेटिस्फाई हर ईयर्स। और वो कहते हैं कि शाम अपने कानों को सेटिस्फाइड करना चाहती है बाय हिज म्यूजिक, उसके म्यूजिक के द्वारा। ही कॉल्स अपॉन हर टू कम एंड टू हेल्प हिम। वो कहता है कि वो उसे पुकारती है कि आओ उसकी सहायता करो, दैट ही कुड सिंग सॉफ्टली, ताकि वो सॉफ्टली गा सके। ओके, मतलब वो चाहता है कि वो इवनिंग आए और उसके गाने में सहायता करे। टू सिंग द सॉन्ग फॉर इवनिंग, द पॉइंट वॉन्ट्स टू मूव टू अ सॉलिटरी प्लेस। और शाम का वो एक सॉन्ग गाते हुए पॉइंट कहाँ जाना चाहता है? एक सॉलिटरी प्लेस में, एक एकांत जगह में जाना चाहता है। सॉलिटरी एक सॉलिट्यूड प्लेस होता है। द पॉइंट इज ऑफ द व्यू दैट द इवनिंग इनरिचेस इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसका मानना है कि इंसान के अंदर जो इमेजिनेटिव फैकल्टी होती है वो शाम क्या करती है? बढ़ाती है, उसको इनरिच करती है। थस दिस इज अ ब्यूटिफुल पोइम। हियर मैन एंड नेचर आर एडमायरेबली ब्रॉट टुगेदर। एक ऐसी पोइम है जिसके अंदर इंसान और जो ह्यूमन बींग है और नेचर, उन दोनों को एक साथ प्रेजेंट किया गया है। इट इज फुल ऑफ मैनी डेलीकेट डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर बहुत ही आपको डेलीकेट सॉफ्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे ऑफ नेचर एंड मेलानकोली, प्रकृति के, नेचर के और पोइट की सैडनेस के। इट इज अ लिरिसिज्म दैट हैज मेड दिस पोइम हाईली रीडेबल एंड एंजॉयबल। ये पोइम का लिरिसिज्म है। इस पोइम की एक ऐसे रिदम बनती है कि आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और आप इसको बहुत एंजॉय करते हैं। आई होप कि जब मैं ये पोइम का टेक्स्ट पढ़ाऊंगा तो आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अभी तो सिर्फ हमने विलियम कलिंस का एक ओवरव्यू किया है और पोइम के बारे में बता दिया आपको। मैं पोइम में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस तरीके की पोइम है, जैसे हम देखा कि एक सिंगल स्टैंजा है 52 लाइंस का और मिल्टोनिक स्टैंजा पैटर्न के अंदर इसको लिखा गया है। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत मजा आने वाला है, आप इसको बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स में हमें बताते रहें आपको कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।